जय श्री कृष्ण। हेलो गुजरात की ओर से आप सबको बहुत बहुत ही ये वीक के लिए शुभकामनाएं। हेलो गुजरात की ओर से हम आज टैरोट कार्ड के ऊपर से मेष से मीन राशि का भविष्य करने जा रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर मेरा खुद का है। तो आज हम फर्स्ट देखते हैं मेष राशि। तो मेष राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। मेष राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। अभी आपके बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं, कहीं पे कुछ पार्टी कर रहे हो, कहीं पे कुछ नए गुड न्यूज आ रहे हैं, तो कहीं पे कुछ ना कुछ आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो रहा है। अभी आपकी पास्ट लाइफ खत्म आई, स्ट्रगल लाइफ भी आपकी खत्म होने जा रही है अभी, और आप रिटायरमेंट के बारे में सोचे कि मेरा रिटायरमेंट कैसा रहेगा। तो आपका रिटायरमेंट अभी बहुत ही अच्छा जाने वाला है और खा पी के आप मस्त रहने वाले हो। कहीं पे युवक युवतियों के शादी के भी योग होते हैं, या तो कहीं पे आपको अच्छे फॉरेन की ट्रिप भी होने वाली हो, तो वो भी गुड न्यूज़ मिल सकते हैं मेष राशियों के लिए। तो आपका लकी नंबर रहेगा 9 नंबर, 10 नंबर और 3 नंबर। लकी कलर रहेगा आपका येलो, रेड और ग्रीन कलर। और आपको कुछ रुकावट आ रही तो आपके घर के अंदर जो दहलीज रहती घर की मेन दहलीज, वहाँ पे कपूर और एक लौंग जलाना है रोज शाम के टाइम पे, तो जो भी परेशानी आने वाली है वो चली जाएगी। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। वृषभ राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। खाली टेंशन ना ले। आप रात को सोते समय और उठते समय आपको एकदम नींद में से जाग जाते हो, क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खाली आपको क्या करना है, जागते समय और सोते समय भगवान का नाम लेना है। 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करके सो जाइए और 11 मंत्र वापस उठे तभी कीजिए, तो आपकी जो भी परेशानी वो दूर चली जाएगी। और आप युवक युवतियों के शादी के योग भी आ रहे हैं, कहीं पे शादियां हो भी रही है, कहीं बिजनेस में पार्टनरशिप भी कर रहे हो, बच्चे बहुत आप पढ़ाई में आगे आ रहे हैं, अव्वल आ रहे हैं, जो भी करना चाहते वो कर सकते हैं, आगे बढ़े। लकी नंबर रहेगा 9 नंबर, लकी कलर रहेगा ग्रीन कलर और पिंक कलर। एक छोटी सी रेमेडी वृषभ राशियों के लिए, तो क्या करना है कि थोड़ी आपको नींद की समस्या होती है, रात को जाग जाते पॉजिटिव थिंकिंग थॉट्स, और आपको क्या करना है, एक कपूर और एक लौंग पिलो के नीचे रख दीजिए, तो काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। मिथुन राशियों के लिए ये वीक अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। कहीं फॉरेन की ट्रिप होने वाली है, कहीं बाहर गांव जा रहे हो, कहीं आपकी इच्छा है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, तो आप राजा की तरह रानी की तरह राज करने वाले बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं। खाली आपको जो भी कार्य करे, जो किसी को भी इन्वेस्टमेंट करे, तो लेती देती के टाइम पे आपको एग्रीमेंट करना जरूरी है। बिना एग्रीमेंट पढ़े कोई भी कार्य ना करे, नहीं तो आपको रोड पर आने की शक्यता है। तो जो भी कार्य करे सोच समझ कर कीजिए, फिर आगे बढ़िए। लकी नंबर रहेगा आपका 3 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका ग्रीन कलर, येलो कलर। आपको क्या करना है, छोटी सी रेमेडी, आपको क्या करना है कि आपके जो मेन घर का नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वेस्ट वो सब होते, तो वेस्ट दिशा में सरसों के तेल का दिया करना है और वहाँ पे दिया जला के फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उससे काफी परेशानी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है कर्क राशि। तो ये वीक के लिए कर्क राशि क्या कहती है। कर्क राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, कुछ लाइफ चेंज होने को जा रही है, कुछ नया दिखा रहा है, तो आप आगे बढ़िए और चाहे आपकी लाइफ को चेंज कीजिए। कहीं पे कुछ ऐसा लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो रानी की तरह राज करने वालों, युवक युवतियों के शादी के योग भी आ रहे हैं। आपको बिजनेस में इतनी अर्निंग होने वाली है कि 1 साल के अंदर 2 महीना तो आप काउंट भी नहीं कर सकेंगे, इतने अच्छे दिन आ रहे हैं। तो लकी नंबर रहेगा आपका 3 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका येलो, रेड और ग्रीन कलर। आपको रेमेडी खाली वही करने के, ईस्ट दिशा में आपको सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना है और हो सके तो तुलसी देव को जल चढ़ाना है, उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है सिंह राशि। तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। सिंह राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है, सुंदर दिखा रहा है। आप खाली अपने आप को जस्टिफाई कीजिए कि मैं जो भी करूं अच्छा करूं, सबके लिए अच्छा सोचूं, किसी को भी साथ चीट ना हो वो खास ध्यान रखें। और 6 महीने के अंदर बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आने वाला है कहीं पे कुछ, और अभी आपकी पास्ट लाइफ खत्म हो रही है, अभी बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं, कहीं कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो युवक युवतियों के शादी के योग भी बन रहे हैं, संतानों के लिए पढ़ाई में भी बहुत ही अव्वल है, और कहीं पे ट्रैवलिंग फॉरेन की होने वाली है छोटी मुसाफरी, तो बहुत ही अच्छा है। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर, लकी कलर रहेगा रेड और येलो कलर। अभी आ रही है कन्या राशि। तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है।
कन्या राशियों के लिए ये वीक मध्यम रहेगा। शत्रु काफी बढ़ रहे, तो समित्र और शत्रु के बीच में, तो मित्र जैसे आपके होते वैसे ही शत्रु भी है आपके, तो आपको क्या करना है, शत्रु को मित्र बनाना है, उसको पता भी नहीं चले कि आप उसके मित्र हो के शत्रु हो। और यू आपके जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन होते हैं उसमें थोड़ा संभालना है कि कोई तीसरी व्यक्ति ना आ जाए, तो खास ध्यान रखें। तो आपको क्या करना है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ सामने आमने सामने बैठ कर फिर भी जो भी बात करनी है वो रिलेशन की बात कर सकते हो, तीसरे किसी को इन्वॉल्व ना करें तो वो अच्छा रहेगा। और पूरी दुनिया वर्ल्ड घूमने का आप दोनों साथ में तय करें, या तो और किसी के घर के अंदर से भी हो रहा है तो कहीं पर ट्रैवलिंग हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो बहुत ही अच्छे दिन है। लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका ऑरेंज और ग्रीन कलर। आपको सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना है गायत्री मंत्र के साथ, तो वो काफी अच्छा रहेगा। अभी आ रही है तुला राशि, तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। तुला राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है, खाली एक टेंशन लेके ना घूमे, सारा काम खुद अपने आप पे न ले, सबको थोड़ा थोड़ा बांट दे तो उससे काफी परेशानी दूर हो जाएगी। आपको लगता है मैं ही सारा भार करूं, तो नहीं, आप सबको थोड़ा थोड़ी परेशानी बांट दीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसे शादी हो तो शादी का काम अकेले खुद मत संभाले, सबको थोड़ा थोड़ा घर में बांट दीजिए, वैसे ही आपको करना है बिजनेस के अंदर भी। और आपको प्रामाणिकता रहना है, और जो भी करे कार्य सोच समझ कर आगे बढ़िए, सबके साथ मिक्स जुल मिल के साथ सबके साथ बात कीजिए तो काफी अच्छा रहेगा। और आप आगे की भी सोच रहे हो कि मुझे कार बंगला और खुद का बिजनेस, तो आप खुद का बिजनेस भी करेंगे, फैक्ट्रियां भी होगी बंगला भी होगा, और राजा की तरह राज करने वाले हो। लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर और लकी कलर रहेगा ऑरेंज और रेडिश ब्लैक कलर और येलो कलर। आपको एक छोटी सी रेमेडी के आपको क्या करना है कि आपके ईस्ट दिशा में वहां पे एक कपूर लौंग जलाना है रात के टाइम पे, और सुबह में वहां पे हो सके तो एक वीक के लिए छोटी कांच की कटोरी या तो प्लास्टिक की कटोरी लेके उसमें गेहूं रखना है, तो उससे काफी परेशानी कम हो जाएगी। और एक वीक रख के देखे कैसा लग रहा है, बाद में आगे बढ़ेंगे। लकी नंबर मैंने बताया जैसे येलो रेड और ग्रीन कलर, और सूर्य देव की दिशा में आपको क्या करना है वो भी मैंने बताया। अभी आ रही है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। वृश्चिक राशियों के लिए ये वीक थोड़ा बहुत कुछ एडवाइस लेने का टाइम आ चुका है कि आपको लगता है कि मैं अभी ये काम कर लूंगा, मैं बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन पहले अभी जो नई टेक्निक निकली है वो टेक्निक से आप आगे बढ़िए तो काम आगे बढ़ सकता है। थोड़ी रुकावटें आ रही है, तो आप खुद आपके पास जो है नॉलेज उसको आगे बढ़ाने के लिए अभी के दो एडवाइस लीजिए किसी की, तो उसमें आप आगे हो सकेंगे। बिजनेस के अंदर वंश परंपरागत दिखा रहा है, जैसे शादियों का हो चल रहा है, तो आपके मम्मी डैडी ने भी लव मैरिज किए तो लव मैरिज ही होगी, आपका डैडी का जो बिजनेस होगा तो वही आप बिजनेस करेंगे, आप दूसरी जॉब नहीं कर सकते हो। तो वंश परंपरागत कार्ड दिखा रहा है, आपके मम्मी डैडी को जितने चाइल्ड उतने आपको भी होंगे भविष्य में, तो वंश परंपरागत ये कार्ड दिखा रहा है। कहीं से लक्ष्मी के प्राप्ति योग हो रहे, रानी और राजा की तरह राज करने वाले बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं। जो भी कार्य करें सोच समझ कर कीजिए। लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका येलो रेडिश ब्लैक कलर। आपको क्या करना है, सूर्य देव ईस्ट दिशा में हो सके तो आपके घर की दिशा जो ईस्ट दिशा है वहां पे कोई भी लोखंड की चीज ना रखे, और वहां पे हो सके तो वो कोना खाली रखे, तो उससे काफी परेशानी दूर हो जाएगी। और हो सके तो रात के टाइम पे दो अगरबत्ती वहां पे जलाइए, तो उससे काफी अच्छा रहेगा। अभी आ रही है धनु राशि, तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। धनु राशि बता रही है कुछ नया प्लान चल रहा है घर के बारे में, नया घर लेने के लिए सोचे हो, लेकिन वहां से गार्डन दिख रहा हो, कहीं से लक्ष्मी की प्राप्ति हो रही है, कहीं घर के बारे में आप सोच रहे हो कि मुझे होगा कि नहीं होगा, तो आपके हो जाएगा घर, और कहीं से लक्ष्मी का प्रबंध भी हो जाएगा, जो सोचा भी नहीं होगा वहां से अननोन व्यक्ति आके आपके लाइफ में हेल्प करके जाएगी। और जहाँ भी आप बिजनेस में जॉब में जहाँ भी जाते हैं वहां पे आपकी जीती होती है, और आप चार पीढ़ी देखने वाले हो, जैसे दादा उसका लड़का उसका लड़का उसका छोटा बच्चा, और आपके घर पे एनिमल्स का ज्यादा शौक है, तो वहाँ पे दो कुत्ते भी दिखा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा वीक है, कहीं से लक्ष्मी प्राप्ति हो रही है। लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर, 1 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका येलो रेडिश और क्रीमिस कलर। आपको छोटी सी रेमेडी, घर पे नेगेटिविटी निकालने के लिए आपको रोज शाम को क्या करना है, धूप करना है घर के अंदर, तो धूप करने से घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और काफी अच्छा लगेगा, उसमें लौंग का धूप कीजिए तो काफी फायदा होगा।
अभी आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, मकर राशियों के लिए ये वीक कैसा है, मकर राशियों के लिए ये वीक कुछ अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आ रही है। दो अपॉर्चुनिटी तो फिक्स है ही आपकी, और वो अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बहुत ही आगे जाके फायदा होने वाला है। राजा और रानी की तरह राज करने वाले हो, कहीं पे अभी आप थोड़े नाराज हो कि मेरा काम नहीं हो रहा है, आप ओनली पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए तो आपका काम होने लगेगा और बहुत ही आगे बढ़ने वाले हो। लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर और लकी कलर रहेगा येलो और रेड ग्रीन कलर। आपको क्या करना है, आपका जो भी कार्य में आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो भी भगवान को मानते हो वहाँ टेम्पल पे ध्वजा चढ़ा देनी है काम हो जाने के बाद, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जहाँ भी रुकावट आ रही है वो रुकावट भी चली जाएगी। लकी नंबर रहेगा जैसे मैंने ग्रीन क्रीम और येलो कलर बताया। अभी आ रही है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, कुंभ राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। थोड़ा आपको लगता है कि मैं कहीं बंधा हुआ, मेरा काम नहीं हो रहा है, लक्ष्मी बंधन योग है, कहीं पे कोई मुझे काम नहीं करने देते, ये है ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि आपकी खुद की नज़र उतारनी है, मोबाइल पे आपके फोटो तो रहते ही है, मैं तरीका नया बताती हूँ, तो उसे क्या होगा, एक कपूर लेना है, एक लौंग लेनी है और खुद के मोबाइल पे से ऐसे एंटी क्लॉक वाइज गायत्री मंत्र बोलते आपकी नज़र खुद की उतार दीजिए और कपूर और लौंग को साउथ दिशा में बन जला दीजिए, तो उससे काफ़ी परेशानी आपकी चली जाएगी। ये वीक कंटिन्यू रोज शाम को करना है तो काफ़ी फायदा होगा, जो भी बंधन योग आ रहा है वो निकल जाएगा। और कहीं पे कोई बच्चे की गुड न्यूज़ भी आ रही है फैमिली के अंदर, कहीं पे लक्ष्मी भी बहुत आ रही है, आप बहुत ही होशियार हो, लेकिन क्या करते हो आलसपन बहुत आ जाता है, तो आपको क्या करना है, आलस छोड़कर आपको काम बढ़ाइए और आगे कीजिए, तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है और आपका फेम और नाम भी दुनिया में होने वाला है। जैसे मैंने ये रेमेडी बताई वैसे करने से काफ़ी फायदा हो जाएगा। और हो सके तो जब आप सुबह में स्नान करने जाते हो तो तभी आपको क्या करना है कि जल के अंदर थोड़ा गौमूत्र या तो एक रॉक मुट्ठी रॉक सॉल्ट मिठू मीठा डाल के नमक खड़ा नमक डाल के भी स्नान कर सकते हो, उससे काफ़ी नेगेटिविटी दूर चली जाएगी और थिंक पॉजिटिव। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर और लकी कलर रहेगा ऑरेंज येलो और रेडिश कलर। अभी आ रही है मीन राशि, तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, मीन राशियों के लिए भी ये वीक बहुत ही अच्छा है। कहीं पे फॉरेन जाने के योग आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे आप चमकने वाले हो और कहीं पे गुड न्यूज़ भी मिलने वाले हैं 6 महीने के अंदर। पीछे मुड़ के ना देखो, अभी पीछे मुड़ने का ज़माना गया, अभी आगे बढ़ते रहो। आप बिजनेस में हो या तो आप समझे युवक युवतियों के शादी के बारे में भी हो, प्रपोजल बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी हो, तो काफ़ी अच्छे दिन आ रहे हैं आपको। खाली थर्सडे के दिन क्या करना है कि जो आपके सर्वेंट हो मंदिर में टेंपल में जो बाहर भिखारी लोग बैठे रहते वो लोग हैं, या तो कि कोई भी मिले आपको तो उसको सबको एक एक मोतीचूर के लड्डू बांटने हैं, तो 5 जन को बांटिए तो उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हेलो गुजरात की ओर से आप सबको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं ये वीक के लिए। थैंक यू वेरी मच।